दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल देश और दुनिया भर में दावे करते फिरते हैं अपनी शिक्षा प्रणाली को लेकर। कितना ढोल पीटते रहे हैं कि हमने शिक्षा प्रणाली व्यवस्था बेहतर की, लेकिन अब तो ये काम हो रहा है आग लगे बस्ती में केजरीवाल जी अपनी मस्ती में। जी हाँ, सत्ता की चाह की वजह से पूरा प्रशासन ठप पड़ा है। केजरीवाल को जरा भी चिंता नहीं कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे या उनके पास किताबें नहीं। केजरीवाल की दिलचस्पी है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में। इस्तीफा ना देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हितों को प्राथमिकता दी है। अपने निजी हित के लिए गरीब बच्चों को बिना किताब पढ़ने को मजबूर कर रहे हैं केजरीवाल। जी हाँ, सत्ता का अहंकार चरम पर है। सत्ता के आपसी खींचतान में देश के भविष्य यानी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है दिल्ली सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, आम आदमी पार्टी समेत सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कहती है कि दिल्ली के सीएम को सत्ता का मोह नहीं है। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है, उनको देश को नंबर वन बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। सुना आपने, देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर सच में ऐसा है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते केजरीवाल जी? क्यों दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आखिर क्यों बच्चों तक का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं? अब तो हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है केजरीवाल को कुर्सी का लालच है। दरअसल अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने पद से इस्तीफा ना देने से इनकार करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रहित से ऊपर अपना व्यक्तिगत हित रखते हैं। उनके जेल में होने के कारण दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 2 लाख विद्यार्थियों को किताब एवं यूनिफॉर्म मिलने में देरी हो रही है। दरअसल सोशल जूरिस्ट नाम के एक एनजीओ ने एक जनहित याचिका दाखिल करके कहा कि नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अब तक किताबें नहीं मिली है और वे टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर है। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली सरकार को सिर्फ सत्ता की चाह है। बेच ने कहा, किताब और यूनिफॉर्म बंटवाना कोर्ट का काम नहीं है, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई अपना काम नहीं कर रहा, दिल्ली सरकार को सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। आखिर आप सुप्रीमो कितनी शक्ति चाहते हैं? प्रॉब्लम ये है कि केजरीवाल जी शक्ति को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें शक्ति नहीं मिल रही है। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील सादान फरासत ने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपायुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो कि अभी हिरासत में है, इसलिए देरी हो रही है। ये कोई बहाना नहीं हो सकता। जस्टिस मनमोहन ने सौरभ भारद्वाज को लेकर कहा कि उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली है और वे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। खुद हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली कई याचिकाओं को खारिज कर चुका है। उन्होंने कहा, आपने कहा है कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार जारी रहेगी, आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते। यदि आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें तो हम पूरी शक्ति से टिप्पणी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वे सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। यहाँ पर कोर्ट का साफ साफ मतलब है, अगर दिल्ली सरकार जेल से चलने में नाकाम रही, ऐसा ही काम चलता रहा तो केजरीवाल को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अगर स्टैंडिंग कमेटी किसी भी वजह से नहीं बन पा रही है तो दिल्ली सरकार किसी उपयुक्त अथॉरिटी को वित्तीय अधिकार दे। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो इस मामले में 2 दिन के अंदर जरूरी कार्रवाई करे।
दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने कोर्ट में अपनी बात रखी। हलफनामे में ईडी ने कहा घोटाले की अवधि में और जब 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में घोटाला और अनियमितताएं सार्वजनिक हो गई तब 36 व्यक्तियों आरोपित और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों द्वारा कुल 170 से अधिक मोबाइल फोन बदले गए या नष्ट कर दिए गए। हलफनामे में आगे कहा गया है कि घोटाले और धन के लेन देन के महत्वपूर्ण डिजिटल सबूतों को आरोपियों और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों द्वारा एक्टिव रूप से नष्ट कर दिया गया है। दोस्तों सबूतों के इतने एक्टिव और आपराधिक विनाश के बावजूद एजेंसी महत्वपूर्ण सबूतों को फिर से हासिल करने में सक्षम रही है जो सीधे तौर पर प्रक्रिया में याचिकाकर्ता का खुलासा करती है। दोस्तों केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की जिद से संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 35 दिनों से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। राजधानी में बिजली और पानी का समर प्लान नहीं बना। पिछले साल डूबने के बावजूद मॉनसून के दौरान राजधानी को बचाने के लिए कोई मीटिंग नहीं हो रही। पूरा प्रशासन ठप पड़ा है पर सत्ता का लालच इतना है कि सब नजरअंदाज किया जा रहा है। खैर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज के नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।